गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। सर्वप्रथम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। पर्याय प्लस वाची, पर्याय मतलब किसी शब्द का वैसा ही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, ठीक है। अर्थात उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं जिनका अर्थ लगभग एक सा ही होता है या समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है? पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक जैसे अर्थ वाले होते हैं। समझ में आ रहा है ना? अर्थात पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिनका अर्थ लगभग एक सा ही होता है, किंतु हर अर्थ में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य रहता है। जैसे पानी और जल, पानी बोलचाल की भाषा में हम अक्सर प्रयोग करते हैं, जिसे पीने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। हम अपने प्यास को, तृष्णा को मिटाने के लिए पानी को पीते हैं। परंतु यदि जल बोल दिया जाए तो हम लोग अक्सर करके बोलचाल की भाषा में जल का प्रयोग पूजा इत्यादि कार्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे भगवान को जल अर्पित करना है। इसी तरह से पर्यायवाची शब्द एक से होते तो अवश्य हैं, परंतु उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। सांप, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है? शर, भुजंग, विषधर, व्याल, नाग, उरग। अश्व का घोड़ा है, तुरंग, बाजी, शैंधव। कमल का पंकज, सरोज, राजू, उत्पल, पद्म। सोना, सोना का पर्यायवाची क्या है? हेम, स्वर्ण, कनक, कंचन, हिरण। अंधेरा, अंधेरा का क्या है? तम, अंधकार, तिमिर, हवाम, तमिश्र। इसी प्रकार उपवन का पर्यायवाची शब्द बाग, बगिया, उद्यान, वाटिका, फुलवारी। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलधर, पयोध, पयोधर, घन, मेघ, जलद। दूध का पर्यायवाची शब्द क्षीर, दुग, पय, गोरस। पानी, पानी का जल, वारी, शलील, नीर, तोय। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में कुछ सुधार कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगला जो भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।